हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो डिस्काउंट को लेकर के है। जैसे कि अलग आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, मुझे लखनऊ से फोन आया था और हमारे व्यूअर हैं शायद, तो उन्होंने बोला था कि जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि हमें डिस्काउंट देना है, कितना देना है, जब देना है तो आप उसको ऑन कर लीजिए, जब नहीं देना है तो ऑफ कर दीजिए। जैसे क्या है कि देखिए, कुछ इस तरह का मैटर है कि मान लीजिए सेल्स वाउचर में हम जाएंगे, तो सबसे पहले सेल्स वाउचर में जाने के लिए हमें F8 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। F8 प्रेस करके हम आगे सेल्स वाउचर में, और यहाँ पर कोई डेटर पार्टी हम न्यू बनाते हैं, हम पुरानी डेटर पार्टी पे काम नहीं करेंगे, न्यू डेटर पार्टी बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ कर दिया गौरव, ठीक है, ये हमने बना ली अलग से डेटर पार्टी, और इसे डाल लेंगे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में। यहां से सन्ड्री डेटर कर देते हैं, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, और एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये एक्सेप्ट करा लिया, यहां पर डिस्पैच की डिटेल आप चाहे तो डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसको अवॉइड करता हूं। एंटरप्रेस करता हूं, यहां पर एंटर कर देते हैं, और यहां सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आ गया सेल्स अकाउंट। अब यहां पर जो भी आपको लेना है, जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कीबोर्ड ले लिया आपने, अब मान लीजिए कि 5 कीबोर्ड, ठीक है, और एक की रेट 700 रुपए है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा इनको। यहां पर डिस्काउंट का भी कॉलम आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। एंटरप्रेस किया, इस पे जीएसटी लग जाएगी, जो भी आपको जीएसटी लगाना है वो लगा लीजिए। तो ये जीएसटी सीजीएसटी आ गया, फिर यहाँ पे एसजीएसटी भी कर दीजिए, तो यहाँ पे एसजीएसटी भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो गया। अब यहाँ पे दोनों होने के बाद इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, इसे हमने करा लिया है एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि सामान आपने लिमिटेड खरीदा, ठीक है, इसीलिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। ये एंट्री अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर आकर दो बार डीप्रेस करके आप देख सकते हैं, आपकी जो सेल्स वाली एंट्री है वो यहीं कहीं है, तो ये शायद वो एंट्री है। एंटरप्रेस करिए, ये देख लीजिए, ये 5 कीबोर्ड आप 700 का एक था, तो ये लिमिटेड आपने खरीदा था जिसके चलते आपको डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। अब इसी मंथ में आगे डेट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, या वी प्रेस कर लेता हूं, और यहां से डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस कर सकते हैं आप। कहते हैं 2/4/2021, ठीक है, अब एंटरप्रेस कर लेते हैं, तो यहां पर डेट चेंज कर दिया मैंने, और फिर यहां पर वही डेटर पार्टी मैं ले लेता हूं जो मैंने पहले लिया था। एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए, फिर यहां पर आइए, सेल्स अकाउंट का लीजिए लगाइए। अब इस बार कीबोर्ड की जो बात है, बेच रहे हैं 500 कीबोर्ड, कितनी कीबोर्ड बेच रहे हैं, 500 कीबोर्ड। तो अभी देखिए, यहां पर आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उतना पैसा, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से डिस्काउंट नहीं देना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए, एक शॉर्टकट की है F12, उसको प्रेस कर लेना चाहिए, और उसके बाद यहां पर आप नीचे देखेंगे तो यहां से देखते हुए आइए, यहां पर आइए ट्रेड डिस्काउंट। ये कब मिलेगा, जानते हैं कब मिलेगा, जब आप जीएसटी चालू रखेंगे तभी मिलेगा आपको। ट्रेड डिस्काउंट को यस कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए, काम हो गया है। अब यहां पर जो डिस्काउंट आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर डिस्काउंट दे दीजिए, जो भी आपको डिस्काउंट देना है, तो कहां पे देंगे, यहां पे देंगे, ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है यहीं पे दे दीजिए। तो मान लीजिए कि इतना सामान खरीद रहे हैं, तो इनको 5% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो ये 5 लिख दिया हमने, और बाकी यहां 17,500 अपने आप आ गया। अगर डिस्काउंट का अमाउंट तो शो हो रहा है, लेकिन इसमें से माइनस होकर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई और प्रोडक्ट है तो इसी तरीके से उस पर भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं, नोट पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से मैंने LED मॉनिटर बना रखा है, तो यहां पर मान लीजिए कि 10 LED मॉनिटर, तो ये हो गया, और इसकी कीमत क्या लगाई, 18,000 रुपए इसकी कीमत लगा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये 18,000 कीमत हो गई इसकी, और एंटरप्रेस करते हैं, यहाँ डिस्काउंट आ रहा है, तो इस पर भी 5% का डिस्काउंट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ 9,000 का डिस्काउंट इस पे हो गया, और 17,500 का इस पे हो गया, देख लिया। लेकिन अभी आपको डिस्काउंट नीचे घट करके नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे घबराइए मत, एंटर कीजिए, नीचे आइए, और यहां पर जैसे ही आएंगे तो Alt C करके एक को लेजर बनाना है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए डिस्काउंट स्पेशल, ठीक है, या कुछ इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने डिस्काउंट स्पेशल दे दिया है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। तो ये डिस्काउंट स्पेशल कर दिया, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि हम ये पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालिए। और यहां पर टाइप ऑफ लेजर ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट देखने के लिए नहीं दिया रहता है, तो यहां पर डिस्काउंट कर दीजिए आप, यहां पर डिस्काउंट ही करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कर दीजिए, जैसे ही एंटरप्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये माइनस करके और आपको अमाउंट दिखा रहा है, देख लीजिए, यहां पर 5,30,000 रुपए टोटल हुए हैं, माइनस 26,500, 5,03,500 यहां पे आ चुका है डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जीएसटी यहां पे लगा दिया मैंने, सीजीएसटी एसजीएसटी देख ही सकते हैं आप,
ये सीजीएसटी है एसजीएसटी है तो ये जुड़ जाएगा, हम ग्राहक को ना बेच रहे हैं, हम बेचने का काम कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा जीएसटी। तो जुड़ करके देखिए यहां पे 609,235 रुपए जीएसटी हम भुगतान किए हैं खरीदते समय, तो वो भी तो भुगतान करेंगे, जीएसटी वाला पैसा जुड़ेगा। तो ये जुड़ गया है और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए। जब एक्सेप्ट करा लेंगे और तब यहां देखेंगे, यहां पे जब इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। आप अल्ट पी करिए, एंटर प्रेस करिए और एक बार इसका प्रीव्यू देख लिया जाए कैसा ये प्रीव्यू आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको डिस्काउंट लगाना है, लास्ट में ले जाके लगाना है, चाहे जैसे भी लगाना है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है उसको चालू कर लेंगे तो ये आसानी के साथ आप लगा पाएंगे। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।